काम तू भी काम। ओह ये ऐसा विश कर रहा है क्या मुझे कॉलेज के लिए? मैंने एग्जाम दिया है आज एंड ये राज का भाई है। सी हेलो हेलो टू माय यूट्यूब व्यूअर्स। तो इसने मुझे आज ड्रॉप किया है एंड फर्स्ट टाइम हमने इतने अच्छे से बात किया है इतने सालों में भी। हाय बोलना कुछ नहीं है, मैं ये यूट्यूब व्यूअर्स का हाय बोलना। सो ही इज द गाय जिसे मैं 2-3 मंथ से बात कर रही थी और हाँ मतलब कॉलेज रिलेटेड एंड फाइनली हम आज मिले हैं। वेरी हैप्पी टू सी यू एंड ही इज वेरी फेमस इंदिरा कॉलेज से बिकॉज वो सबको हेल्प करते रहता है एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स बने। हाय अभी मेरा एग्जाम देके हो गया है एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही हूँ बिकॉज मैं कल ज़्यादा सो ही नहीं थी, सिर्फ 3-4 hours मैं सो ही हूँ एंड उसके बाद मैं आ गई एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद अभी हम कैंटीन में रुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है तो हम लोग वेट कर रहे हैं राज और डॉल के लिए, वो आ रहे हैं 10 minutes में वो आ जाएंगे, फिर मैं चली जाऊँगी घर एंड देन आई शेयर माय एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ अ कैंटीन एंड यहाँ पे मैं 2-3 years पहले आई थी विद माई फ्रेंड्स। आज बहुत सारे लोग मिले मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरा आज फर्स्ट है एंड मैं उन लोगों को मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ 3-4 सालों से और मैं सबको जानती हूँ। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, हर कोई फ्रेंडली, हर किसी का नेचर बहुत फ्रेंडली है। थैंक यू सो मच कंपनी देने के लिए फर्स्ट डे पे कॉलेज में। यस एंड दैट इज़ माय कॉलेज एंड डॉल एंड राज आए हैं मुझे फाइनली लेने के लिए। मेरा एग्जाम खत्म हो गया है 10:45 को बट ये लोग आए हैं मुझे 12 o'clock को पिक करने के लिए। ओह माय गॉड आई हेट यू। पहले गाड़ी में बैठ जा वरना ऐसे कैमरा के आ रही। फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा था कॉलेज का, आई होप सो ऐसे ही रहे मेरे हमेशा सारे दिन। इतना ज़्यादा गर्मी है, एसी में बैठ के मुझे बहुत ऐसा सुकून सा लग रहा है। तुम लोग को 10:45 को आना था, तुम लोग मुझे 12 बजे लेने आए। 10:45 को तो मैं बाथरूम में नहा रही थी। शिट ये ऐसे ही करती है। और सुबह मैंने मतलब इतने दिन से मैंने डॉल को बोला था कि मेरा कॉलेज है, तुझे मुझे आना है छोड़ने के लिए 7 o'clock को। सेवन ओ क्लॉक को तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी। और कल रात को बोलती है आई एम सो सॉरी सौम्या मैं नहीं आऊंगी। सॉरी भी नहीं बोल रही है, मैंने गलत बोल दिया, मैं आ रही नहीं हूँ, तो कुछ भी करने आ रही नहीं हूँ। मतलब उसके लिए सोना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यार सौम्या जा रही है पहला दिन है उसके कॉलेज का, मैं उसको छोड़ती हूँ। राज तो इतना अच्छा है 5:30 बजे उठ गया सुबह। हमें बड़ा धीरा लगाने वाली है ना, जैसे जो रोज पढ़ाई की है। और सबसे मेन थिंग आज मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का एंड एग्जाम एंड यहाँ पे नहीं खत्म, एग्जाम 3 पेपर्स का, पहले इंग्लिश उसके बाद अकाउंट्स उसके बाद इकोनॉमिक्स। और सब को मिले 3 अंडे। तुम्हें क्या पता, तुमने तो पूछा भी नहीं मुझे कि कैसे क्या हो गया, कैसा गया एग्जाम बता। ऐसे पूछा ना, अरे मत बोलो 3 अंडे। इंग्लिश अच्छा गया एंड अकाउंट्स भी अच्छा गया, थोड़ा सा टाइम नहीं था बट मैंने अच्छा लिख दिया, लास्ट का ही सम थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा हो गया। एंड इकोनॉमिक्स तो जो था मैंने वो पढ़ा नहीं, मैंने कुछ और पढ़ा, लिखा गया नहीं, होते होता है। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा वही डायलॉग, गलती से पास या फिर गलती से फेल इस बार। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पेपर लिख रही थी ना, मैं खुद ही हंस रही थी कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो सर भी अगर चेक करेंगे ना सर भी बहुत हंसेंगे। क्या खुद का एल्बम तो नहीं लिखा ना गाने का? नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैंने लिखा है बट ऐसा थोड़ा लग रहा था यहाँ से घुमा रही हूँ वहाँ से आंसर घुमा रही हूँ तो हो गया। एंड मेरी आगे बहुत स्वीट लड़की थी एंड वो बहुत स्वीट थी, मुझे आते ही हाय बोली एंड हमने भी बातचीत किया और मैं उसके लिए भी पेपर होने के बाद रुक गई एंड उसके बाद हम साथ में आ गए। फिर मैं ओम को मिली, वही ओम जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है एंड वो अभी भी करता है, उसको मैंने फर्स्ट टाइम अभी आज मिली हूँ मैं। राज बोल रहा है मेरे बारे हमारे बारे में भी बोल दो, मैंने भी कुछ किया है क्या? सुबह स्कूबी को घुमा रहा है, तू मुझे छोड़ने वाला था सुबह। अरे बट मैंने तेरा सेटिंग लगा दिया था ना। क्या सेटिंग? सूरज के साथ। वो उसको ऐसा लगता है कि उसने मेरे को बोर किया बट ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उसको आज बोर किया, मैंने आज बहुत बातें की है।
एंड उसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे बातें की, क्योंकि जब भी राज आता था ना वो ऐसा दिखता था, हाई करता था एंड ऐसा लगता था शाय है, मतलब हर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, तो वैसे वो चला जाता था. तो आज हमने बहुत सारी बातें की, आई डोंट नो. एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर फूड. मुझे बहुत भूख लगी थी सुबह से, तो हम फाइनली खा रहे हैं. एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर चिकन शर्मा, बट आई एम ईटिंग पनीर शर्मा बिकॉज मैं अभी अभी रिसेंटली चेंज हो गई हूँ नॉन वेज टू वेजिटेरियन. ऐसा ऐसा नहीं. क्या तकलीफ है आपको? गॉड हिला रहा है पूरा. मैं स्कूपी को ऐसे बोलता था ना, बिचेस कम एंड गो. हां हां, तो मतलब स्कूपी को मैं समझा रहा हूं कि लड़की आती जाती रहेगी. ओह शिट. तो फिर मैं ऐसे नीचे कैप्शन लिखता था, शी डजंट डिजर्व. क्या सिखा रहा है राज स्कूपी को अभी? लाइफ ऑफ अ गोल्डन रिट्रीवर ओनर. ओह शिट, वो और वो खींच रहा है. अरे अभी गाइस बात कर रहा हूं. Go. Go, Raj. No, whose dog? Whose dog? Scooby, देख, देख ये राज. आजा, आजा इधर, आजा. Game खेलेंगे. जो हारेगा उसको उठाना पड़ेगा. नहीं नहीं, हम नहीं खेल रहे. मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही हूँ. सबका सबका है ना वो. नहीं नहीं, सबका है ना. हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन गेम में. अरे वो पैर से कुचलने से पहले उसको खुद को गंदा लगता है वो. तो गाइस सुनो, स्पिन करेंगे, जिस पे भी ये वाला बॉटल मतलब ये वाला आएगा ना, तो उसको स्कूबी की पॉटी करनी पड़ेगी साफ. ओके, आई विल स्पिन. वेट वेट वेट, इसमें से पहले पानी कम पड़ेगा. क्या किया? सो मैंने भी पॉटी कर दी है. यहाँ पे बैठी थी आपको गिल्ला हो गया. दे इधर ये वाला पार्ट, तो उसको यू हैव टू क्लीन इट. 3 2 1 गो. गेम खत्म है. किलो में किया है वो, किलो में. अंदर हाथ डाल ऐसे ले एंड उल्टा कर दे न्यूज पेपर. कैसे बोल सकते हो? लेकिन सबसे पहले टॉल पे आया सोम्या का, सोम्या का मुंह देखने लायक है, खुश हो रहा है. ये ना एक्चुअली इसका काम था लेकिन इसने दिमाग चलाया कि गेम खेलते हैं एंड लकीली फिर बैग लग सोम्या पे आया. क्यों किया मुझे नहीं पता. कम ऑन लेट्स गो. वो कितना खुश हो रहा है. मेरा हाथ देने लगना चाहिए. तो शाड़ा है, भाग गया मैं लगाने. मेरे हाथ में एक्चुअली लग गया. सच्ची में लग गया है, सच्ची में लग गया. लेकिन एक बात है, मैं डॉगी को पॉटी उठा सकती हूँ. डॉग लवर, ट्रू डॉग लवर. डॉग लेके क्यों घूम रही है फिर? बेचते ना उसको उधर से खरीद. हैप्पी स्कूबी. फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ एंड अभी बजे है 6 o'clock. 6 o'clock को सुबह मैंने 6 a.m. को मैंने सुबह घर छोड़ा था एंड मैं 6 p.m. को घर आई हूँ. लिटरली 12 hours में बाहर थी एंड अभी मेरा सर बहुत पेन हो रहा है एंड मेरे आंखें भी बहुत ज्यादा ये हो. सोम्या के सर में, सोम्या के पेट में चक्कर आ रहे. मेरे पेट में चक्कर आ रहे एंड मेरे आंखें अभी बहुत बोल रही है.
एंड जो मैंने आज न्यू फ्रेंड्स बनाए वो काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, एंड जो मुझे मिल रहे थे, जो आके मुझे जो जानते थे वो मिल रहे थे, वो भी काफी ज्यादा फ्रेंडली थे. मेरा ऐसा था कॉलेज में जाने से पहले कि यार मैं किसी को जानती नहीं हूँ, एंड मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी सिस्टर जब जाती थी, शी वॉज इन द सेम कॉलेज, एंड वो जब जाती थी तो उसका पूरा ग्रुप था, वो ग्रुप के साथ गई थी, जो 11th 12th उसके फ्रेंड्स थे वो ही सेम कॉलेज में थे, तो उसे ऑकवर्ड नहीं फील होता था. एंड मेरा ऐसा था कि मैं कैसे जाऊंगी, जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ. मैं आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल इन द कॉलेज, एंड अच्छा था, मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया है. एंड दिस वॉज द वीडियो, आई विल एंड दिस वीडियो हियर, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर, एंड इफ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ये